देखिएगा, एक कदम भाग गया, आ जा, अब मैं ऊपर जाऊंगा, अब ऊपर आएगा दौड़ के। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज अभी मैंने फोन ऑर्डर किया हुआ था भाई के लिए, तो अभी अभी जस्ट आया है, तो मैं चल रहा हूँ उसको अनबॉक्सिंग करेंगे। फिर तो उसके बाद कहाँ चलना है कोई डिसाइड नहीं है। क्या है कि बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, तो सो के उठे, तो मैंने सोचा ब्लॉग बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो कंटेंट होगा देखा जाएगा। मुझे नहीं पता है कहाँ जाना है घूमने, क्या होगा मेरे ब्लॉग में कंटेंट। तो अब गाइस चलते हैं अनबॉक्सिंग करने फोन का, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे फोन, बहुत ही प्यारा फोन। तो गाइस हमारा जो फोन है IQ Z3 5G फोन है, ठीक है। और अंदर से देखते हैं इसका प्राइस क्या है। वो इधर भी टेप लगा हुआ है, हम इधर करते हैं, आई थिंक इधर भी है। पैकिंग तो बहुत अच्छा है, तो गाइज इसमें देखिए हमारा है क्या मिला इसमें हमें। ये कुछ ये पिन है सिम कार्ड निकालने के लिए, और ये है डाटा केबल, और बैक कवर, इसमें बैक कवर भी है, तो इसको रखते हैं साइड में। तो डाटा केबल देख लेते हैं, ये देखिए डाटा केबल, और 55 वाट का फास्ट चार्जिंग है। सबसे अच्छी बात तो ये है इस फोन में। और हम निकालते हैं अपना फोन, तो ये देखिए कितना प्यारा लुक है। और इसमें का IQ जो Z3 5G फोन है, इसमें दो कलर अवेलेबल है, ब्लैक एंड और ये जो कलर है, तो मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने। तो देखिए इसमें 8GB रैम है और 128GB फोन स्टोरेज है, और एंड्रॉयड वर्जन 11 है। और इसका जो प्रोसेसर है, मैंने जो इसमें मेन चीज़ जो मैंने देख के लिया, एक तो 8 और 128GB ये, और दूसरी चीज़ का मैंने प्रोसेसर देखा, जो कि सबसे बेस्ट प्रोसेसर मैं मानता हूँ स्नैपड्रैगन होता है, तो जो कि 2.8 GHz इसका प्रोसेसर, और स्नैपड्रैगन 768G है ऑक्टा कोर, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 768G, तो इसलिए मैंने इसको। गाइज मैं आपको इसकी प्राइस बता दूं, इसकी प्राइस थी 18,990 रुपये, जो कि मैंने ये दिवाली ऑफर में इसका प्राइस डिस्काउंट चल रहा था, मुझे पड़ा है 16,440 रुपये, मुझे 16,440 रुपये पड़ा है, जो कि डिस्काउंट का ऑफर। तो गाइज अब हम जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने, जो कि मुझे अभी एक भी डोज नहीं लगा है, पहला भी डोज नहीं लगा, दूसरा भी, तो आज जाएंगे, आज पहला डोज लगवाएंगे, क्योंकि दिसंबर लास्ट तक कॉलेज खुल जाएगा ऑफलाइन, तो क्या है कि जाना पड़ेगा कॉलेज, तो इसमें नोटिस आया था अभी कि फुल वैक्सीनेटेड होना चाहिए, तो आज जाएंगे पहला डोज लगवाएंगे, फिर देखते हैं दूसरा डोज कब लगता है। तो चलो चलते हैं वैक्सीन लगवाने। तो गाइज मैं वैक्सीन लगवा के आ चुका हूँ, और मैं लगवाया हूँ कोवैक्सीन, क्योंकि ये 28 या 30 दिन बाद लगता है दूसरा डोज, तो अब दूसरे डोज का डेट है 8 से और 22 दिसंबर तक लगवाना है, तो ठीक है लगवा लेंगे, मतलब कॉलेज जाने से पहले मेरा दोनों डोज कंप्लीट हो जाएगा, ये अच्छी बात है, इसलिए मैंने कोवैक्सीन लगवाया, इसलिए कोविशील्ड नहीं लगवाया। और वहीं से अपने जैके के लिए लाया हूँ, या साबुन लाया हूँ, और कुछ दवा लाया हूँ, इसलिए क्योंकि उसके बाल झड़ रहे थे, तो मैं सोचा इधर आया हूँ मार्केट, उसके लिए चलते हैं, और ये साबुन है उसको नहलाने के लिए, उसके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। और तो गाइज क्या है कि मैं इसको दवा दे रहा था, वैसे दवा इसने नहीं खाया,
तो मैंने इसको पेडिग्री में डाल के दे दिया, खा गया दवा। तो वैसे मुझे लगा वैसे खा जाएगा, वैसे नहीं खा। तो देखिए ये पेडिग्री के साथ दवा खा रहा है। इधर आ, चल नीचे चल चल। देखिएगा एक कदम भाग गया, आ जा। अब मैं ऊपर जाऊंगा, अब ऊपर आएगा दौड़ के। ये वाह, फिर मैं नीचे आऊंगा, फिर वो नीचे आएगा। फिर मैं ऊपर आऊंगा, फिर ऊपर आएगा। जाना अकेले ऊपर, अकेले नहीं जा सकता। चल चल चल। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।